दुनिया के कई देश इस वक्त युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं, जिसका असर यूरोप के साथ साथ एशिया में भी देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि देश की रक्षा चुनौतियों को देखते हुए हमारी सेना ने तैयारियां तेज कर दी है। सेना के खड़ग स्ट्राइक कोर ने दुर्गम सैन्य अभ्यास किया। इस सैन्य अभ्यास में सेना की अरावत डिवीजन भी शामिल हुई। वहीं दूसरी तरफ नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार IFR यानी अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू के लिए जापान की यात्रा पर है। इस बार IFR के गठन की 70वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। सेना की पश्चिमी कमान के अनुसार खड़ग स्ट्राइक कोर ने नहर पार करने और मैकेनाइज्ड फोर्सेस द्वारा फायरिंग की प्रैक्टिस की, जिसका मकसद दुश्मन के अंदरूनी इलाकों में हमलों का अभ्यास करना था। नौसेना से मिली जानकारी के अनुसार नौसेना प्रमुख हरि कुमार रविवार को योकोसुका में जापान मैरिटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू को देखेंगे। इस दौरान वो पश्चिमी प्रशांत नौसेना सिंपोजियम यानी WPNS में पर्यवेक्षक नौसेनाओं में से एक के प्रमुख के रूप में शिरकत करेंगे। इसकी मेजबानी जापान कर रहा है। इसके अलावा नौसेना अध्यक्ष जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की नौसेना द्वारा आयोजित होने वाली मालाबार पूर्व नौसैनिक अभ्यास के उद्घाटन में भी भाग लेंगे। इस साल मालाबार अभ्यास की 30वीं वर्षगांठ है। भारतीय नौसेना के दो युद्धपोत शिवालिक और कामोटा रविवार को सागामी खाड़ी में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू में भाग लेने के लिए पहले ही योकोसुका पहुंच चुके हैं। इसमें भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, इंडोनेशिया, मलेशिया, पाकिस्तान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रिटेन और अमेरिका की नौसेनाएं भाग ले रही हैं। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा IFR की समीक्षा करेंगे, जिसमें सभी सदस्य देशों के 40 जहाज और पनडुब्बियां शामिल होंगी। इस खबर से जुड़ी और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो में दी गई जानकारी से अगर आप सहमत हैं तो लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए।